फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी, साथ ही बहुत टेस्टी भी, बीटरूट चटनी। बीटरूट की कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यह है बीटरूट घिसा हुआ 1 कटोरी, हरी मिर्च, सूखी मिर्च, हल्दी, इमली, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लहसुन, थोड़ा सा गुड़ है और तेल है। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है हींग, सूखी मिर्च, करिया पत्ती, जीरा सरसों, चना दाल मिक्स है। सबसे पहले मैं कढ़ाई रख के 1 स्पून बस तेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है। तेल 1 ही स्पून है। अब मैं उसमें डाली हूँ सूखी मिर्च और हरी मिर्च। ये बीटरूट थोड़ा सा मीठा रहता है, इसलिए मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डालना, अदरवाइज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने लहसुन डाला है, इसको जस्ट हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसको भुनना नहीं है। उसके बाद मैं इसको निकाल ले रही हूँ एक मिक्सी के जार में या एक प्लेट में, जिसमें हमें ठंडा करना है। ठंडा करके अब इसी कढ़ाई में मैं डालूंगी बीट को थोड़ा सा, और मैं एक स्पून तेल ऐड करूंगी और इसमें मैं डालूंगी बीटरूट। ये घिसा हुआ बीटरूट है 1 कटोरी। आप इसको बारीक चॉप भी कर सकते हो। ये 250 ग्राम बीटरूट का घिसा हुआ है। अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। भून के अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी। हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छे से आता है। बीटरूट के कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। इसमें फाइबर है, इससे हमारा ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। जिसको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों के ब्रेन डेवलप में भी काफ़ी मदद करता है। अभी मैंने डाला है इमली और गुड़ ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैंने डाला है नमक। नमक डाल के मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। इसको हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा भुनना है ताकि इसमें जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए। अब उसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए रखूँगी। 2 मिनट बाद देख सकते ये थोड़ा सा पक गया है, बस ये बनके रेडी है। अब मैं इसको निकालूंगी बर्तन में या फिर मिक्सी के जार में, ठंडा करके मैं इसको ग्राइंड करके चटनी बनाऊँगी। चटनी बना के फिर मैं इसको लगाऊंगी तड़का। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही ये बहुत टेस्टी भी है। बच्चों के आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, नॉर्मल राइस के साथ भी आप इसे खा सकते हो। ये फ्रिज में रख के आप 4-5 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने चटनी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया, अब मैं इसको निकाल रही हूँ बाउल में। बाउल में निकाल के अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने रखा है तड़के वाला पैन। पैन रख के अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा तेल, जितना तड़का लगाने के लिए रिक्वायर हो। जैसे तेल गर्म हो गया, उसमें मैंने डाला चना दाल और उड़द दाल। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा और सरसों। जीरा सरसों डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ करिया पत्ती। करिया पत्ती डाल के फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग। बस तड़का बनके रेडी है। अब मैं डालूंगी इसको चटनी के ऊपर और चटनी बनके रेडी है। आप भी ये टेस्टी और हेल्दी चटनी बनाइए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।